हमारे साथ पंकज भदौरिया हैं यहाँ से। पंकज, दंतेवाड़ा का क्षेत्र, बस्तर की जब बात कर ली जाती है और दंतेवाड़ा की भी बात खास तौर पर, तो यहाँ तो दोहरी चुनौतियां होती हैं लोगों के सामने, एक तो नक्सलवाद और दूसरा अब ये जो नई समस्या है कोरोना वायरस नाम की, लोग जूझ रहे होंगे, समझ सकते हैं। लॉकडाउन है पूरे छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा में भी जाहिर तौर पर प्रशासन मुस्तैदी से तैनात होगा, क्या स्थिति है वहाँ? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, दंतेवाड़ा की बात कर ले हम, तो दंतेवाड़ा काफी संवेदनशील जिले में आता है। यहाँ पर नक्सलियों ने कहीं कहीं समस्या बढ़ा के रखी है, कई कई जगह काट दिए, मगर प्रशासन यहाँ पर लॉकडाउन को पालन कराने में पूरी तरीके से सफल साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2400 से ज्यादा ऐसे चिन्हांकित मजदूर हैं जिन्हें इस वक्त होम आइसोलेशन से किया गया है। वहीं पर 34 से ज्यादा विदेश से यात्रा करके लौटे हुए दंतेवाड़ा से जो लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन पर रखा गया है। साथ ही यहाँ पर प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ में 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। बटेली में एक सेंटर बना हुआ है, दंतेवाड़ा में बना हुआ है और ऐसे ही एक किरंदुल में बना हुआ है। अभी हाल में ये 50 बिस्तर का अस्पताल है गीदम में, जिसे क्वारंटाइन अस्पताल भी बनाया जा रहा है। इस तरीके से प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ में दंतेवाड़ा जिले में आसपास में सुरक्षा भी दे रही है और होम आइसोलेशन का और लॉकडाउन का पालन भी करवा रही है। अगर बात करें हम तो दंतेवाड़ा से जो जगदलपुर की सरहद लगती है, इधर सुकमा की सरहद लगती है, दोनों सरहदों को सील किया गया है। अभी हाल में कली में ग्रामीण इलाकों की रिपोर्टिंग के लिए गया है, वहाँ पर ग्रामीण स्वतः ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ग्रामीण भी सड़कों पर नहीं घूम रहे हैं। यहाँ तक की ग्रामीण यदि आंध्रा की ओर से आए हुए हैं तो खुद आइसोलेशन में, लेकिन एक समस्या यहाँ पर अभी ये भी आई थी कि हाल में कुछ दिन पहले ही यहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ लोग मस्जिद से पाए गए थे। इसके बाद से एक दहशत का माहौल पूरे दंतेवाड़ा में व्याप्त हो गया था। हालांकि प्रशासन की टीम ने उन्हें तुरंत क्वारंटाइन किया और इसके बाद स्थिति यहाँ पर नियंत्रित हुई, और इसके अलावा यहाँ पर दंतेवाड़ा में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी जगह सही से लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। ठीक है पंकज, आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ, अलग अलग